अरे क्रिसमस लग गया। हमने कहा था ना इसका अमेजोन प्राइम मत डाउनलोड करो, इसने रात भर देखा होगा। अब सो जल्दी बता, 3 बजे सो गए। बढ़ा के देखा जो मेन देखना था, पूरी देख ली उसने। रिजा ने रात में अपना पूरा कोटा रखा था कि मैं भूख लगेगी तो खाऊंगी, लेकिन उसको मुंबई डायरीज दिख गई तो उसने कुछ नहीं किया। कितने बजे उठे थे? 4:30 बजे उठा था। आ गया, आ गया हर चीज। कितना प्यार हुआ है, घूम नहीं कर आए। अरे उठा चले गए। अरे बहुत ठंडा है। मैं तो नहीं जा रही। मैं कहा था ना कूद तो नहीं, सर में लग सकती है। फ्लिप कहाँ मारी है मैंने? तुमने मारी है? नहीं नहीं, फ्लिप नहीं मारी मैंने। नहीं। अरे हाँ, तुम दिखा दो कि आज तुम किसके भाई हो। हराना रेहान, 1 2 3 मम्मी अरे बाबा, मैं खुद आऊंगी। अरे जाओ, गिरा दूंगा। अम्मी का धीरे धीरे जाओगी तो और लगेगी। जल्दी 2 सेकंड में जाओ, झुक करके। और वो जम गई तो? नहीं नहीं, ये क्या है? ये क्या है? होता है। 1 2 3 जैकेट पहन के कौन जाता है स्विमिंग पूल में? जो मैं वही पहन लिया। थैंक यू। यहाँ पे पापा और सनी आराम से गपशप कर रहे हैं। किडनी गार्ड, किडनी थी ना ऊपर, उससे कूदते थे। अभी भी है? अभी भी है। उससे कूदते थे ऊपर से चढ़ के। हमको इनाम मिल चुका है। बस आ गए भैया अपने गेटअप में, चप्पल ही पहन ली। अभी देखो मैचिंग पहन के आई है। तुम लोग डरो मत, मैं आगे आगे चल रही हूँ तुम लोग की सेफ्टी के लिए। मुझे पुष्टि स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। आपने पिछले ब्लॉग में देखा था कि हम रजा के लिए कुछ कुछ चीजें लेके आए थे, क्योंकि उसको क्रिसमस बहुत ज्यादा पसंद है। उसको थोड़ा सा सरप्राइज करते हैं, ज्यादा कुछ हमें इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन जो जो चीजें हमें मिली है हम वो ले आए हैं। और हम ये सैंटा भी ले आए हैं। हम बाहर थोड़ा सा सजा देंगे, लेकिन केक नहीं है अभी। अस्सलाम वालेकुम, सबसे हाय कर लो। फ्रेंड्स, ये पेड़ लाए हैं, सैंटा लाए हैं, और ये उसको गिफ्ट के लिए लाए हैं, फेरेरो लाए हैं, रिजा रेहान दोनों के लिए। ये हम सजाएंगे ट्री में। और उसको कीरिंग पसंद है और उसको यूनिकॉर्न पसंद है, तो यूनिकॉर्न का कीरिंग मिल गया था तो वो ले आए। ये बॉल ले आए, इन्हें क्रेजी बॉल कहते थे, बचपन में हम इसे बहुत खेलते थे। आप भी खेलोगे? खुश हो जाएगी है ना? वाला देखो सैफी कह रहा है ये हमारा ही भाई है। बहुत खूबसूरत, आप अपना गाना क्यों नहीं सुनते? सब आप इतना प्राउड फील कर रहे हैं। देखो कह रहा है हमारा भाई है। मैंने कहा तुम सारे भाई टैलेंटेड हो माशाल्लाह। आपने मुझे प्राउड फील कराया है और शर्मा रहे हो। सभी रिजा सो गई है, चलो फिर सरप्राइज करते हैं। और आज हमारी यहाँ पे आखिरी रात है, फिर इंशाल्लाह हमें सुबह निकलना है। तो आज भाभी ने बारबेक्यू नाइट भी रखा था। थोड़ा सा रेडी होंगे, कपड़े चेंज करने की हिम्मत नहीं है, बस लिपस्टिक लगा लेती है। हमेशा कहती हूँ इस चीज से आप भी अग्री करते होगे, अगर आपका ज्यादा रेडी होने का मन नहीं है, सिर्फ आप लिपस्टिक लगा लोगे ना, उससे आपका चेहरे में काफी ज्यादा डिफरेंस दिखने लगता है। मैं लगाऊंगी मामाअर्थ की हाइड्रा मैट क्रेयॉन ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक। वैसे हम सबको लिपस्टिक ज्यादा पसंद होती है, लेकिन क्या होता है कि सर्दी आ गई, लिप्स बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं, तो हमें ऐसी लिपस्टिक चाहिए होती है जो हमारे लिप्स को मॉइस्चराइज भी रखे, साथ साथ अच्छा सा कलर भी दे दे। तो मामाअर्थ की न्यू लिपस्टिक ने ना हमारा सारा काम आसान कर दिया। शेड लगा रही है, उसका नाम है रेस्टबेरी रेड। फ्रेंड्स, ये लिपस्टिक ट्रांसफर प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, 12 आवर्स तक स्टे करेगी, 12 आवर्स तक हाइड्रेशन भी देगी, और इसमें आर्गन ऑयल है जो हमारे लिप्स को नरिश करेगा, और इसमें हाइलुरोनिक एसिड है जो हमारे लिप्स को हाइड्रेट करेगा और प्रोटेक्ट करेगा ड्राई होने से। एकदम नॉन ड्राइंग है, बहुत लाइट वेट है, और
ये मेड से सर्टिफाइड है, मतलब आप इसे एवरीडे बेसिस पे भी यूज कर सकते हो। ये लिपस्टिक्स में फ्रेंड्स 7 डिफरेंट शेड्स आते थे, मेरे पास 6 है। और मामाअर्थ का जो इनिशिएटिव है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है, जिसका नाम है प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव। तो जब भी आप उनसे कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो, आपका ऑर्डर विक्ट्री के साथ लिंक कर देते हैं जो कि उन्होंने प्लान किया होता है। 2025 तक मामाअर्थ 1 मिलियन ट्री प्लान करने का टारगेट कर रहा है। और उससे भी अच्छी बात है फ्रेंड्स, मामाअर्थ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑनलाइन तो मिलते ही है, मतलब अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नायका, इनकी वेबसाइट पे, लेकिन अब आप अपने आसपास के स्टोर्स पे भी जाके मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। आपको लिपस्टिक अच्छी लगी है तो आप इसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नायका, मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप से परचेज कर सकते हैं। मेरा कोड यूज करना मत भूलिएगा अगर आप उनकी वेबसाइट या ऐप पे जाके लेंगे, जो कि है सबा 2022, तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। बुलाए रजा को, खाना जो है वो बाहर लग चुका है, चलिए देखते हैं क्या ये आइडिया कब आया। ये विप्लव भैया का आइडिया। अच्छा, तो यहाँ पे बनेगा नहीं, वो अंदर से बना रहा है, तू तेरी बाहर लगा हुआ है। अच्छा, वो इस पे बनता है। हाय, अभी एकदम स्ट्रेट रहो, बैलेंस करो। ऊपर चलते रिजा को लेके, ठीक है? कुछ छोटा सा शूट करना है तो उसके लिए मैं ऊपर जा रही हूँ। खाना हो चुका है, यहाँ पे करनी चाहिए थी पार्टी। ये क्या लगा, क्रिसमस ट्री लगा दिया। अरे वाह, कब किया? इसलिए बोली शूट करने के लेके आ रही, 3-3 लोगों को पीछे ले। इसको तो मैं ले जाऊंगी। और ये नहीं देखा तुमने, यूनिकॉर्न? मैंने लो, खुशी में खांसी आ रही है। नहीं, चॉकलेट, चॉकलेट ध्यान से भी शेयर करना, ये सबसे अच्छा है। तुम्हारी फोटो लेना उसके साथ। हैप्पी? बहुत अच्छा। फिर एक छोटा सा सरप्राइज था क्योंकि उसको बहुत ज्यादा पसंद है, तो इसके चैनल पे क्योंकि बहुत ज्यादा सरप्राइज होती नहीं है। हमने क्रिसमस के लिए इतना ज्यादा भी लगा दिया ऊपर। कल गए थे हम लोग लेने, हम पेड़ लेके घूमोगे क्या? कैसे लगा? अस्सलाम वालेकुम, आज नेक्स्ट डे हो गया है और अभी आज हम यहाँ से निकलना है सिर्फ आधे घंटे में। छोटी मोटी पैकिंग कर रहे हैं हम लोग, उसके बाद आपसे मिलते हैं। भाई भाभी तो सुबह ही निकल गए क्योंकि भाई को शूट पे भी जाना था, तो फिर साथ में एक कार जा रही थी, बाकी लोग भी चले गए, आंटी चली गई, भाभी चली गई, भी हम लोग अभी निकलेंगे। फिर से बैठ गया। हम लोग ब्रेकफास्ट करके रेडी होके बैठे हैं और अपना मैं डेली डोज होता है ना जो ज्ञान का, वो यहाँ पे लेने बैठे हुए। देना पड़ता है डेली का डोज। थैंक यू बेबी। अम्मी जान, अस्सलाम वालेकुम। आज तो कश्मीरी सूट पहना है। अरे वाह, अच्छी लग रही है अम्मी, अच्छी लग रही है। चले, हो गया छुट्टी? हो गया, हो गया तुम्हारा बर्थडे, खुशी खुशी। हाँ, बहुत अच्छे से। चलो, क्या कर रहे हो? ब्रेकफास्ट? बाय बाय, जा रहे हो आज हम लोग। याद आएगी? नहीं आएगी। याद नहीं आएगी? नहीं आएगी। आएगी ना? नहीं आएगी। चलो बाय बाय, फिर मिलते हैं। ठंडा करके पियो, थोड़ा ठंडा पानी मिला लो, बहुत गर्म है। बेचारा सोचेगा कहाँ चले गए। बाय बाय बेबी। वो सोच रहा है सोने दे। हाँ, नींद मत खराब कर। चले अम्मी। हाँ, चलो बाय बाय। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, थैंक यू। तुमने गर्म पानी सब कुछ हमें अच्छे से अच्छा खाना खिलाया, दिल से खिलाया। हाँ, दिल से दुआ देके जा रहे हैं इंशाल्लाह, फिर आएंगे। चलो बाय बाय, जा रहा है बेटा। हाँ, बाय, चलो फिर आएंगे, ठीक है? जल्दी टैक्सी में जाओ। मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं ना? छोड़ दिया। हाँ, मेरे दिमाग में खिसक गई। में मैंने एयरपॉड्स लगाए और अपना रास्ते पर वीडियो एडिट किया ताकि घर में कम काम पड़े। अब देखो कौन आ गया अपने घर, गुड्डा अपने घर आ गया है। हाँ यार, चाबी नहीं हम लोग। कहाँ चप्पल? शूज कौन पहनता है? मैं तो जूते ही पहन के आई, चप्पल ही नहीं लगी थी, टी शर्ट भी सनी की पहन के आई। अस्सलाम वालेकुम घर जी। घर जी बना दिया अब। घर जी क्या बोले रेहान घर को? घर जी, घर भैया, घर की चाय इतने दिनों बाद।
अभी हम यहाँ पे निकल गए हैं सनी का हेयर कट कराने के लिए। फ्रेंड्स हेयर कट करा के हो चुका है, अभी चलते हैं घर और 8 बजे हमारा फिल्म का टिकट भी बुक है। सर्कस, हम जोकर लोग सर्कस देखने जा रहे हैं। हो गया काम? क्या कर रहे थे? अरे क्या बोलते हैं, वो शीट ही नहीं मिल रही थी हैंडमेड उनके पास। हम लोग 7:15 तक निकल जाएंगे। इतनी जल्दी? क्योंकि 20 मिनट तो जाने में लगेगा मैक्सिमम, 5 मिनट सीढ़ियां चढ़ने में और 10 मिनट ये पॉपकॉर्न लेने में। और तो उसके बाद पहले वो जब एंथम बजता है पूरा एकदम वैसा लग रहा है। हर बार लेट पहुंचते हैं हम लोग, लेट पहुंचते हैं। नहीं, कितना एक्साइटमेंट है। सुबह मैं ऐसे बिना नहाए निकली थी, अभी ऐसे ही घूम रही हूँ। व्लॉग भी एडिट किया, अभी थोड़ा व्लॉग और एडिट करना है। जाके नहाऊंगी, रेडी होंगी, उसके बाद निकलेंगे और मैं जाके सोऊंगा। जब तक हम लोग रेडी होंगे तो आप सो जाना, ठीक है? इंस्टाग्राम में एक पोस्ट डाला है, आपने पढ़ा नहीं? इस बार का बर्थडे बहुत स्पेशल था अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। इतनी इज्जत और प्यार के लिए थैंक यू बेबी। हाँ तो बेबा तो है, बेबा तुम और कौन है? बेबा इज माय बेबी, इज माय बेबा लड्डू। हंस रहे हो ना मेरे ऊपर? हंस लो, हंस लो, हंस लो। हंस कौन रहा है? ये लोग सब पूल में जा रहे, पक्का मोटा बिल्ला लग रही थी। इतने मोटे पतले से कुछ नहीं होता, इंसान दिल से अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना? बस जो इंसान दिल से अच्छा है वो उस दुनिया में सबसे अच्छा इंसान है। वो अच्छा इंसान कैसा होता है? अरे जो सबके बारे में सोचता है, सबका ख्याल रखता है, अपने घर वालों का, अपने माँ बाप का, सबका ख्याल रखता है। उसके मन में गरीबों के लिए मतलब एक चाह होती है उनकी मदद करने के लिए, और किसी को परेशान देख के इंसान थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, वो अच्छा इंसान होता है। वरना होने की दुनिया पड़ी है, एक से इंसान पाए जाते हैं, तो मैं अलग अलग प्रजाति के लोग हैं यहाँ पे। जैसे कि क्या करोगे, जैसे एक ये बैठा है, जैसे एक ये बैठी है। अभी बस 10 मिनट बचे हैं, हम मूवी जाने के लिए निकलने लगे हैं। जब से हम आए थे तब से पहले से रिजर्व हासिल कर रहे थे शाहरुख की मूवी जाना, लेकिन टाइम नहीं मिला। और अब वापस मौधा जाने का टाइम आ गया है, हमें परसों निकलना है, तो आज ही हमने कहा चलते हैं। और इत्तेफाक से टिकट भी मिल गया, यही पास में ही जा रहे हैं। सूट भी मैंने पहना है, ये वाला जो भाभी दुबई से लेके आई थी, अभी आपको खड़े होकर दिखाती हूँ। और भाई का जो गिफ्ट है आपने उनके व्लॉग में देखा होगा, हमने कहा हम आज इसे पहन लेते हैं। सिंपल सा है और बहुत अच्छा, मुझे ऐसे ही चाहिए था। चलो मिल गया, चलो अम्मी आ रहे हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खाना आके घर पे खाएंगे, ठीक है? चलो याद दिला दी, वरना क्या होता। चलो तुम्हारा वेट कर रहे हैं, मिलने आए। छोटी सी चीज है, कोई नहीं 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 छोटी चीज से बड़ी चीज। थैंक यू सो मच बहुत अच्छा लगा। और कोई भी नई शुरुआत करता है तो बहुत अच्छा लगता है। कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। देखा था जब प्राइज आज चीज पे, आज चीज पे, आज तो आज चीज पे आई थी ये मुझे और आपने जो कल गजल गाई थी लेकिन अगली बार थोड़ा ज्यादा और गाना। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा सुन के आपकी गजल, बहुत आप दोनों को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। थैंक यू सो मच। चलिए मिलती हूँ मैं अभी को, सलाम बोलना। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। बाय बाय। पार्लर शायद इसलिए उन्होंने नेल्स दिया है, मैंने तीन देखे मैंने। मुझे मूवी स्टार्ट होने में और पॉपकॉर्न भी लेना है। में किसी की पॉपकॉर्न पड़ी हुई दिखी और पैरों में आती, इसलिए हमने साइड कर दिया था। आपको भी ऐसा दिखे तो साइड कर दिया करो। बस लेट हो रहा था फिल्म के लिए, इसलिए जल्दी जल्दी हम जा रहे हैं ऊपर। चीज या सॉल्टेड? चीज, चीज सादा वाला नहीं, वो मीठा नहीं होगा ना? नहीं। तो इतनी खुशी हुई कि लाइक सीरियसली बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर। आपको नाम क्या है? अच्छा।
आपकी। ये गोलमाल। हाँ उनकी है जिनकी गोलमाल। हैप्पी तुम नहीं होते तो क्या होता? इसलिए काम है। अस्सलाम वालेकुम, क्या कर रहे थे? सब धूल झटका रहे थे। सवा 11 हो चुका है, आप लोग मूवी देख के घर आ चुके हैं। रिजल्ट ऊपर चले गए, सनी भी ऊपर चला गया, हम मम्मी नीचे हैं। बस मैं इस व्लॉग को एंड करने जा रही थी। और फिल्म के बारे में आपको बताऊं, हम लोग गए थे सर्कस वाली फिल्म, मतलब सर्कस नहीं देखने, सर्कस जो मूवी आई है रणवीर सिंह की वो देखने, काफी अच्छी थी। और रोहित शेट्टी की फिल्म जो होती है ना, उनका जो विजुअल होता है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। वो गोवा जैसी बिल्डिंग्स, वो सारी चीजें दिखती हैं, तो मुझे काफी अच्छी लगी। जो उन्होंने मुद्दा बताना चाहा था वो भी बहुत अच्छा था। यहाँ पे क्या बोलूं, आप लोग जब मूवी अगर देखेंगे तो आप देख लीजिएगा, काफी अच्छा था। मतलब एक कॉमेडी शो की तरह था। और उन्होंने सबसे अच्छा काम पता है क्या किया, जो पुराने पुराने एक्टर्स है कॉमेडियंस जिनको हम अभी फिल्मों में काफी कम देखते हैं, तो वो सारे लोग एक साथ देख रहे थे, तो फिर तो क्या मजा था। और स्पेशली बच्चों के लिए फिल्म बनी है, आपने देखा होगा रेहान रजा कितना हंस रहे थे, और पूरे थिएटर में काफी लोग थे क्योंकि छुट्टी का टाइम भी चल रहा है, क्रिसमस का टाइम, न्यू ईयर का टाइम, और पूरे थिएटर में बच्चों की हंसने की आवाज आ रही थी। तो अगर कोई बच्चों वाली फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं और आपकी फैमिली में कोई जाना चाहता है, तो उनको बहुत, बच्चों को बहुत मजा आएगा इस फिल्म में। बस फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और बर्थडे के व्लॉग ट्रेंड कर रहे हैं यूट्यूब पे, दिल से थैंक यू। भाई के चैनल वाले भी ट्रेंड कर रहे हैं। अब इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे कल इंशाल्लाह कोई नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, आई लव यू।